वज्रासन को इंग्लिश में डायमंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे दंडासन में बैठ जाते हैं, कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके बाद आपने अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ लगा लेना है। आपके दोनों पैरों की उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए और दोनों पैरों की एड़ियों को ऐसे साइड में कर लीजिए और ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे बैठ जाना है। दोनों हथेलियों को आप अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों की एड़ियां थोड़ा साइड में रहेंगी और दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहने चाहिए। दोस्तों, वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद प्रैक्टिस कर सकते हो या आप इसे किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, पेट के समस्त विकार दूर होते हैं और अत्यधिक थकान होने पर जब हमारे पैरों में दर्द होता है तो आप इस वज्रासन को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से मोटापा भी दूर होता है और हमारे जो एंकल्स प्रॉब्लम होती है, नीज प्रॉब्लम होती है, थाईज हिप्स की जो भी प्रॉब्लम है वह दूर होती है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए 15 मिनट इसमें आप ऐसे बैठिए। फिर इसके बाद हम वज्रासन समूह का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही वज्रासन पर बैठकर आपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे को ऐसे अपने हथेलियों को नीचे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करेंगे। शशांक आसन की पोजिशन पर आएंगे। इसे करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं दूर होती हैं। जब भी आपको सिर दर्द की शिकायत हो, अत्यधिक थकान का अनुभव हो, आप इस शशांक आसन को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर श्वास भरते हुए ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर आ जाएंगे। इसके बाद हम वज्रासन समूह का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, मंडूक आसन। मंडूक आसन एक बहुत ही अच्छा आसन होता है। अगर जो लोग डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए यह मंडूक आसन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसे करने के लिए आपने अपने बाएं हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपने ऐसे ऐसे इसके बीच वाले पोर्शन को अपने नाभि क्षेत्र में ऐसे पेट को अंदर पिचकाते हुए ऐसे अंदर को रखना है और दूसरे हाथ से ऐसे ऊपर को रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कीजिए या फिर आप जितना नीचे को जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। इसे करने से पेट की डायबिटीज दूर होती है। शुगर रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है यह मंडूकासन। श्वास को कुछ देर रोके रखें, फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूक आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम वज्रासन समूह का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए ऐसे वज्रासन पर बैठ जाते हैं, फिर ऐसे आप पीछे को अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखते हुए अपनी कोहनियों के सहारे पीछे को ऐसे लेट जाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। दोनों हथेलियों को आप अपने नाभि क्षेत्र के पास ऐसे रख लीजिए। पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह सुप्त वज्रासना बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसे करने से हमारे थाईज में यह अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है जिससे हमारे थाईज हिप्स नीज काफी स्ट्रांग बनते हैं। तीस सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें जितनी देर आप आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। अत्यधिक थकान होने पर आप इस सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे आप अपने एल्बो का ऐसे सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, उष्ट्रासन। इसे करने के लिए ऐसे वज्रासन में आपने बैठना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं।
फिर घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है, फिर आपने ऐसे धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे ऊपर करते हुए अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को पीछे ऐसे लटका लीजिए। उस देर इसी स्थिति में रहिए। इसे करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी समस्याएं दूर होती हैं और हमारे शरीर की फिटनेस के लिए ही उष्ट्रासन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। वज्रासन समूह के यह आसन बहुत ही सरल और सहज है और इसे हर वर्ग के व्यक्तियों ने प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।